हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूं किशोर और आप देख रहे हो राधे बीट्स। और आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले ओप्पो A33 की अनबॉक्सिंग के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो में आप तक पहुँचाते रहे। तो आइए चलिए दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों ये है हमारे पास ओप्पो A33 का बॉक्स, जो कि कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है आपको। तो मैं चारों तरफ से घुमा के आपको दिखा देता हूँ कि इसका बॉक्स कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए गए हुए जो मैं वीडियो में आगे आपके साथ शेयर करने ही वाला हूँ। तो फ्रेंड्स फटाफट से इसको ओपन करते हैं। तो दोस्तों बॉक्स को मैंने बहुत ही अच्छे से ओपन कर दिया है। अब हम देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स जैसे ही हम ये बॉक्स हटाते तो और एक वाइट कलर में ओप्पो की ब्रांडिंग के साथ एक बॉक्स देखने को मिल जाता है आपको। तो फटाफट से उसको भी हम ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स जैसे ही इस बॉक्स को हम ओपन करते हैं तो हमें नीचे की तरफ सबसे पहले मोबाइल देखने को मिल जाता है, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था, ओप्पो A33। तो फिलहाल रखते हैं मोबाइल को साइड में और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों नीचे की तरफ और एक सेक्शन रखा गया है, उसके अंदर शायद बैक कवर होगा। और ये है सिम ट्रे टूल, जिससे आप सिम कार्ड चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप चाहो तो इसको भी रीड कर सकते हो, बहुत सारा ज्ञान हासिल हो जाएगा इस फ़ोन के बारे में आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट कवर देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही सॉफ्ट है। एक दो महीने यूज़ करने के बाद ये पीला पड़ जाता है, तो आपको नया ख़रीदना ही होगा। और यहाँ पर आता है टाइप सी केबल, USB to Type-C। और दोस्तों यहाँ पे आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है, जो कि 1.5 घंटे में मोबाइल को 100% चार्ज कर देता है। और दोस्तों बात करते हैं बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। तो फटाफट से आप मोबाइल को ओपन करते हैं तो वाह, देख सकते हो आप हमारे पास मैट क्रीम कलर है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फ्रेंड्स मोबाइल की नीचे की तरफ आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाता है, USB Type-C का सपोर्ट, प्राइमरी माइक्रोफोन और हमारा प्यारा 3.5 mm वाला हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है। साइड में दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पावर की अनलॉक बटन देखने को मिल जाएगी, ऊपर की तरफ पूरा प्लान है। और साइड में दोस्तों देखोगे तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम रॉकर देखने को मिल जाएगी, और साथ ही में है सिम ट्रे। तो इस ट्रे को हम निकालते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि ट्रिपल स्लॉट वाला सिम ट्रे दिया गया हुआ है, जिसमें आप 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड एक्स्ट्रा लगा सकते हो, तो आपको स्टोरेज का भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस फ़ोन का स्टोरेज है 32 GB प्लस 3 GB RAM। तो फटाफट से दोस्तों इसको ओपन करते हैं और देखते हैं हमें कि ये फ़ोन कैसा है। तो मैं जल्दी से ये सेटअप कर लेता हूँ। आई होप कि ये सेटअप कैसे करना है आप लोगों को पता ही होगा। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे हमारा जो सेटअप की प्रोसेस था वो ख़त्म हो चुका है। और इस फ़ोन की बात करूँ तो ये कलर OS 7 पे चलता है, जो कि Android 10 पे बेस्ड है। और स्नैपड्रैगन 460 आपको इसमें प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और 610 GPU भी देखने को मिल जाता है, ड्यूअल 4G सपोर्ट करता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे पंच होल डिस्प्ले में एक सेल्फी कैमरा है, जो कि 8 MP का है। और बैक साइड पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जो कि मेन प्राइमरी कैमरा है 13 MP का, प्लस माइक्रो शॉट्स के लिए 2 MP का, और डेप्थ सेंसर के लिए और एक 2 MP का। और साथ ही में फ्लैश LED लाइट देखने को मिल जाएगी, और फिंगरप्रिंट सेटअप भी आप कर सकते हो बैक साइड से। तो दोस्तों बात करते हैं इसके अबाउट चेक करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको सेम वही मैंने जो आगे वीडियो में बताया एंड्रॉयड 10 वाला ही वर्जन देखने को मिल जाएगा। और बात करते हैं इस फ़ोन की वेट की, तो दोस्तों ये बहुत ही लाइट वेट है, और ये 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ चलता है। और इसकी डिस्प्ले की हम बात करें तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले 6.5 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो आप देख सकते हो ये एंड्रॉयड 10 पे बेस्ड है। तो दोस्तों इसका वेट मैं आपको बताना ही भूल गया, तो इसका वेट है 186 ग्राम, जो कि बहुत ही हल्का लगता है। और ये एंड्रॉयड 10 पे बेस्ड है, आप देख सकते हो। और इसमें कुछ भी न्यू अपडेट आएगा तो उसका भी वीडियो हम बहुत ही जल्द आपको दिखा देंगे। तो फ्रेंड्स इसका कैमरा चेक करते हैं, मैंने कुछ फ़ोटो सैंपल लिए इसी फ़ोन से, तो आप देखिए आपको कैमरा कैसा है क्वालिटी वो भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर 6x जूम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है आपको। और यहाँ पे दोस्तों ढेर सारे फीचर्स अवेलेबल है, जिसे आप अपना फोटोज़ जो है बेहतरीन तरीके से क्लिक कर पाओगे। तो इसी रियर और फ्रंट कैमरा को यूज़ करते हुए मैंने इसे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए, तो आपको कैसे लगते हैं आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि जो न्यू यूज़र्स है उनको आपके ज़रिए पता चले कि इसका कैमरा क्वालिटी कैसी है। We'll be right back.
तो दोस्तों अभी हम इसका वीडियो टेस्ट करेंगे 6.5 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है जिसकी 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। तो हम चेक करते हैं इसका व्यूइंग एंगल कैसा है। तो दोस्तों ये थी कहानी ओप्पो A33 की और इसका फिंगरप्रिंट टेस्ट, कैमरा टेस्ट, फीचर्स, बैकअप एंड रिसेट सारे वीडियोस में इस चैनल पे डालने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको पता चल गया होगा कि ये फ़ोन आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं। फुल रिव्यू मैंने कर दिया इस मोबाइल का। आई होप यू गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सुझाव तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोज़ाना ऐसे वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच। बाय बाय फ्रेंड्स।